हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं इस वीडियो में क्या इस तरह से सेंटीमेंट रहेगा, क्या इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रह रही है और ओवरऑल जो वीकली व्यू रहने वाला उसके बीच में हम देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो रहेगी जिसमें वन बाई वन फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू 4 आवर टाइम फ्रेम तक देखेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक की बात कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें हम कुछ जो अच्छे स्टॉक्स रहते हैं उसके साथ में जो भी सिल्वर के विषय में, गोल्ड के विषय में, साथ में ग्लोबल जो भी न्यूज़ अपडेट रहती है आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ। अब सीधे आ गए हम चार्ट पे फ्रेंड्स। चार्ट की अगर कंडीशन की बात कर लेते हैं तो जो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट बनता हुआ जा रहा है, अगर इस कंडीशन को हम देखते हैं तो अभी जो इसने 2024 में लास्ट के अभी 3 महीने में जो मोमेंटम इसने गेन किया था, थोड़ा पॉज लगा है और पॉज भी इसमें अगर आप देख रहे हो लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग से। जून मंथ की क्लोजिंग हो चुकी है, अब हम जुलाई मंथ की ट्रेडिंग मतलब नई कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ कंडीशन बनती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में, जैसे 3-4 महीने तेज़ी के साथ में एक कैंडल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फॉलोअप इम्पॉर्टेंट रहता है। फॉलोअप अगर यहाँ पर आता है तो इम्पॉर्टेंट जोन का काम करने वाला है। अगर यहाँ कंडीशन की बात कर लेते हैं तो ये सपोर्ट जोन के से रिएक्ट किया है इस मंथ में, और अगर ये 87,400 के आसपास आता तो इसमें हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए मौका मिलता, या फिर 86,000 इसमें मैक्स लेवल डाउनसाइड का था। बट अभी मार्केट सुप्रीम है, अगर यहाँ से आप देखते हो तो सबसे पहले इसको जो क्लोजिंग हुई है एज ए सपोर्ट का काम करेगा, और अगर इस कैंडल की बात अगर आप देखते हो तो 87,000 का जो इसने लेवल बना रखा है वो इम्पोर्टेंट काम करने वाला है। अगर फर्दर वहाँ से नीचे निकलने की कोशिश करता है तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट 86,500 का लेवल सिल्वर माइक्रो का विषय में मंथली टाइम में बनता हुआ दिख रहा है। अब इसको पोजीशन अगर हम प्रीवियस मंथ से कंपेयर करते हैं तो आप देखिए, जब भी कैंडल का फॉलोअप आया है तो उसमें बड़ी गिरावट होने की चांस बने हैं। अब यहाँ पे एक सिचुएशन इम्पोर्टेंट बनी हुई है कि इसका सपोर्ट जो स्ट्रांग सपोर्ट है 86,500 के आसपास बना हुआ, जिसको इसने ब्रेकआउट किया है और सस्टेन किया है फिलहाल के लिए, और इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है थोड़ा इससे तो अगर कम सपोर्ट लेवल, जैसे इसको हम S1 मान लेते हैं, तो इसको सपोर्ट लेवल जो 2 था वहाँ पे ये ऑलरेडी टच कर चुका है, तो फॉलोअप आता है तो ये इसके लिए 86,500 यहाँ सपोर्ट लेवल का काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 90,000 के बाद में जो बनता हुआ देखने को मिला है, 91,300 से 500 का लेवल ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने की कोशिश कर सकता है, जहाँ पर अभी ये मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है। और ओवरऑल जो ग्लोबल कंडीशन है इन सभी बीच में अगर आप देखते हो तो जो हमने कंडीशन देख रखी थी पिछले कुछ वीक से, आप देखोगे लगातार मार्केट में ऐसा कंडीशन बना रखी थी कि तीन कैंडल से, अगर इन तीनों कैंडल्स को हम देख रहे थे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, इस वीडियो में अगर आप देखते हो वीकली में, इन तीनों कैंडल्स से मूव थोड़ा क्लियर हो रहा था कि मार्केट हायर साइड जाने के लिए रेडी नहीं है। अब यहाँ पे क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के वीकली में लोअर साइड किया है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जो इसके लिए 88,500 ये लेवल इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे इसने सपोर्ट किया और रिस्पेक्ट भी किया इस लेवल को। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मई मंथ में यहाँ पे था 2023 में, उसके बाद में जून जुलाई इस तरह से जो अलग अलग टाइम बना है, फिर मार्च में इस लेवल में था, दोबारा से मई में ब्रेकआउट करता है और फाइनली लास्ट के जो 4 से 5 वीक रहा है लगातार गिरावट का दौर ही ये देख रहा है। तो ये सभी कंडीशंस के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो अभी यहाँ पे जो लेवल है इनके से नीचे इसका डाउन मूव आता है, फॉलो अप आता है, तो फिर हमें एक मूव इनिशियल फेज भी 86,500 का देखने को मिल सकता है। अब आप यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे कि यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट उन्हें बोला कि यहाँ तक आ सकता है। फ्रेंड्स, ये मार्केट है और स्पेशली फास्ट सिक्योरिटी मार्केट, डेली सिचुएशन और कंडीशन अलग अलग होती है, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं देखते हैं, हम सिंपल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ से 1 से 2 दिन का व्यू और मैक्सिमम वीकली व्यू रखते हैं। उस बीच में अगर आप देखते हो तो वीकली ट्रेंड जो इसने बना रखा है डाउन ट्रेंड का है, जो इसको स्टिल फॉलो करता हुआ जा रहा है। अब यहाँ से मैं 2 ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रा करिए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, वहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लर्निंग पॉइंट अभी से मिल सकती है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम इसको ड्रा करते हैं, आप देख रहे हैं पैरेलली तीनों
टच करती हुई देखने को मिले। थोड़ा है मार्किंग में 19-20 हो सकता है, बट यहाँ ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखोगे तो ट्रेंड का जो मूव बना हुआ है डाउन साइड का ही बनता हुआ देखने को मिला है। और ये जब इस लेवल पे रिएक्ट कर रहा था जहाँ पे इसने लाइन का भी सपोर्ट लाइन का भी था और साथ में ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था हमारे लिए, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे मार्केट में अच्छे ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पुल बैक आया हायर साइड के लिए, अभी क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग यहाँ से आप देखते हैं तो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास इसने हायर साइड किया है। तो इसके बाद में जो कंडीशन यहाँ मार्केट में बनती हुई देखने को मिली, अगर उसको आप देखने की कोशिश करें तो ओवरऑल कंडीशन मेजर ट्रेंड जो वीकली ट्रेंड है वो नेगेटिव बना हुआ है, बट स्टिल एक कंडीशन यहाँ बनती है अगर हायर साइड जाएगा तो उसके लिए 91,500 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल काम करेगा। जब इस लेवल के 91,000-92,000 के ऊपर क्लोजिंग करने लगेगा तो मार्केट के लिए अलर्ट लेवल हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी जो कंडीशन अगर हम यहाँ पे मेजर ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ओपनिंग अगर होती है और फॉलो अप इसका आता है 88,500 तक आता है तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल है 86,500 ये इंपॉर्टेंट जोन का काम करेगा, ये इसके लिए क्रूशियल लेवल का काम करने वाला है। तो कंडीशन यहाँ पे आपको ये वॉच करनी पड़ेगी जब भी मंडे का सेशन आप देखेंगे या फिर जो प्रीवियस डे का सेशन आपके साथ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और ओवरऑल जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी अभी मिक्स ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे कोई अगर यहाँ पे मूवमेंट हायर साइड करना है तो पिछले लगभग 4 से 5 वीक का इवन 6 वीक का ये मूव है तो यहाँ पे स्टेबल मूव करेगा 90,000 से लेके मैक्स 91,500 से लेके या फिर ट्रेंड लाइन के चैनल का फॉर्मेशन है इसी बीच में इसको रुकना चाहिए अगर मोमेंटम इसको अगेंस्ट में मूव करना है। नेक्स्ट अगर डेली में अगर आप देख रहे हैं तो डेली कंडीशन में भी स्टिल ट्रेंड नेगेटिव ही बना हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर मेजर ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो मेजर ट्रेंड एज इट इज़ अभी नेगेटिव का ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें तो ये जो यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है वहाँ पे हमारी लाइन की मार्किंग इतनी बेटर वे से नहीं हो पाई थी, तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो जो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है तो ये लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और जो इसने छोटी सी कैंडल ये बना रखी है डेली टाइम फ्रेम में ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लोड लेवल है, तो इसको सपोर्ट 1 मानते हैं, इसको सपोर्ट 2 मानते हैं और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम करने वाला है। और फाइनली ये चैनल इसमें थोड़ा टाइम और बिताता है तो मेजर ट्रेंड तो नेगेटिव है बट इसको थोड़ा टाइम और बताने के बाद में अगर निकलता है तो बेटर मूव रहेगा। इनकेस ये इस लेवल पे 88,500 से लेके 91,000 के बीच में ट्रेड करता है तो आप देखोगे लगभग पिछले 3 दिनों का मूवमेंट अगर आप देखते हो तो बहुत ही नैरो जोन में ट्रेड किया है और उससे पहले नेगेटिव ट्रेंड में बना हुआ था। ये दोनों दिन का जो पुलबैक आया है, दोनों दिन का पुलबैक न्यूज़ का इंपैक्ट आया है। अब यहीं पे कहीं फेड के या बड़े ऑफिशियल की कुछ नेगेटिव इंडिकेशन दे देते हैं तो फिर यहाँ पे आपको दोबारा से अलर्ट हो जाना पड़ेगा, फिर वॉच करना पड़ेगा। इस वजह से आपको बहुत ही अलर्ट होके ट्रेडिंग करना है। बाइंग के लिए एज सच अभी हम जब तक ये 90,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है नहीं स्टार्ट करता तो सबसे पहला टारगेट हमारे लिए 91,500 रहेगा। उसके बाद ही हम फर्दर नेक्स्ट मूव के लिए देखेंगे क्या यहाँ सेंटीमेंट्स बनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद में अगर आप 4 आवर सेटअप में देखने की कोशिश करें तो 4 आवर कंडीशन जो उसने बना रखी है, ओवरऑल ट्रेंड का फॉर्मेशन और जो रेंज का फॉर्मेशन है, दोनों कंडीशन आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। अगर दोनों कंडीशन में आप देखोगे तो जो रेंज है एक मोमेंटम के बाद में जो इसने हायर साइड की रैली स्टार्ट किया था उसके बाद में लगभग उस कंडीशन से अगर आप देखते हो तो एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल गया है, बट स्टिल अभी एक होप बनी हुई है कि इसकी क्लोजिंग अगर 86 के आसपास 86,500 के आसपास आए तो बेटर रहेगा। तो ये जोन जो इसके लिए यहाँ पे बना हुआ है, जो इसके लिए नेक्स्ट जोन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि ये नैरो जोन रहेगा 88,500 से लेके 6,500, ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। अभी फाइनल इसकी क्लोजिंग 89,500 के आसपास है। अगर इसके बाद फर्दर ये नीचे निकलता है तो 4 आवर सेटअप में इसके लिए 86,500-600 ये लेवल्स इसके लिए 1000 पॉइंट पे अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए लेवल रहेगा वो रहेगा 86,300 का। तो यहाँ पे अगर रेशियो की बात कर लेते हैं, अगर पुल बैक ऐसा कुछ मार्केट में न्यूज़ नहीं आती है तो होपफुली हमें एक बार 87,500-600 ये लेवल इजी वे से देखना चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा।
फाइनली अगर हायर साइड में भी निकलता है तो ये रेंज में इसको इतनी इजी भी से विदाउट एनी न्यूज इंपैक्ट इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा हर्डल का काम करेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, माइनर पुलबैक हायर साइड लोअर साइड मार्केट करता रहेगा, लेकिन आपको जब भी प्लान करना है तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही प्लान करें। अदरवाइज यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवार्ड का कंसेप्ट चलता है और ओवरऑल चैनल का फॉर्मेशन है, एक पुल बैक यहाँ पे आया है तो पुल बैक मैक्स अगर जा सकता है तो मैक्स स्ट्रेट लाइन तक जा सकता है, उसके बाद में चैनल के पास जाएगा तो दोबारा से यहाँ पे जो चैनल अगर लोअर साइड रहना तो ये चैनल को ये फॉलो करता हुआ जाएगा जैसे प्रीवियस कैंडल्स में ये कर चुका है। तो ये हम चैनल को वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सेंटीमेंट रहता है, जैसा भी रहेगा आपके साथ अपडेट जरूर देता रहूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।